तो दोस्तों आज हम आए हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक पे, जो कि सरिता विहार के जे ब्लॉक में पड़ता है। आइए अंदर से इसकी लोकेशन देखते हैं और आपको समझाते हैं, और इसका मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैप का लिंक देखो और यहाँ पर आ जाओ अगर आपको कोई भी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों मेरी वाइफ को प्रॉब्लम्स हैं, गायनी डॉक्टर नहीं मिल रही है, एक अच्छी गायनी डॉक्टर कहाँ मिलेगी, ये परेशानी सबको रहती है ना, किसको दिखाएं, एक अच्छी गायनी डॉक्टर चाहिए, है ना। आपको भी ये परेशानी रहती है ना, ये टाइप की परेशानी, किसी को अपने बच्चों के लिए, किसी को अपने माँ के बहन के लिए, किसी को अपने बेटों के लिए, बच्ची के लिए, हर किसी को ये परेशानी रहती है। मुझे भी मेरी वाइफ के लिए परेशानी थी। तो आज हम आ गए हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता क्लिनिक पर और आपको मिलवाते हैं एक अच्छी गायनी डॉक्टर से और उनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए आपको डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक के रिसेप्शन पे। आइए मैम से मिलते हैं। मैम आपका क्या नाम है? माय सेल्फ सभा परवीन एंड आई ऑल मैनेज हियर रिसेप्शनर एंड नर्सिंग और कॉल नर्सिंग वर्क आल्सो। ओके मैम, मैडम की टाइमिंग क्या होती है? मैम की मॉर्निंग की टाइमिंग है 10 to 1 PM एंड एट इवनिंग शी 6 to 8 PM। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता मैम के पास में। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्लिनिक पे किस टाइप की फैसिलिटीज और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आपके क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल हैं? आई एम डॉक्टर खुशबू। आई एम माय क्लिनिक नेम इज वुमेन्स केयर क्लिनिक एंड इन माय क्लिनिक बेसिक ओपीडी फैसिलिटी एंड द कंसल्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, लैबोरेटरी फैसिलिटीज अवेलेबल एंड द बेसिक ओपीडी इन्वेस्टिगेशन, ऑल द HPV स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीनेशन एंड रूटीन ओपीडी कंसल्टेशन वी डू हेयर एंड वी ऑल्सो हैव फैसिलिटी ऑफ द फार्मेसी टू प्रोवाइड द ऑल द बेसिक मेडिकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द वुमेन इज अवेलेबल इन अवर क्लिनिक। मैम यहाँ पे लैब टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है? यस यस, ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस एंड all the like pap smear examination, HPV screening, all facilities are available. Ma'am, deliveries or surgeries वगैरह कहाँ पे करते हैं? My clinic is basically an OPD consultation clinic and I am attached to the many hospitals nearby and I take my patients through that hospital for the minor and the major procedures. Ma'am, आजकल जो गायनी related लोगों को, ladies लोगों को जो problem चल रही हैं, उसके लिए आप इस मौसम के हिसाब से क्या प्रिकॉशंस सजेस्ट करेंगे? अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है नाउ इट इज दैट इज फ्यू डेज बैक इट वाज लाइक डेंगू फीवर वाज वेरी हाई विद द प्रेगनेंसी पेशेंट्स एंड द नॉर्मल फीमेल पेशेंट्स एंड टाइफाइड आल्सो एंड जो अभी आ रहा है फॉर द सीजन चेंज इट इज अ फ्लू एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो आई आस्क पेशेंट्स टू गेट हाइड्रेटेड एंड थोड़ा सा सर्दी से बचिए एंड थोड़ा सा अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन कीजिए, मल्टीविटामिन बूस्टर्स वगैरह लीजिए और रेगुलर आप विजिट्स अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप ANC हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी रेगुलर विजिट कीजिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स फ्लू के या फीवर के या डेंगू के अभी लग रहे हैं। मैम प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ का ये देखा जाता है कि वो दवाइयाँ खाने से बचती हैं, आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए प्रेगनेंसी बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग स्टेज होती है। जो हम नेचुरल खाना खा रहे हैं रूटीन में, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, वो सिर्फ मदर के लिए सफिशिएंट होता है। इनफैक्ट मदर की भी डिमांड प्रेगनेंसी में डबल ट्रिपल हो जाती है। तो जब अगर नेचुरल हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, पेशेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम कैल्शियम ले लेते हैं, हम खाने में दूध पी लेते हैं, आयरन के लिए हम गुड़ खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है जो बच्चे की भी ग्रोथ करे और मदर को भी बिल्डअप करे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रेगनेंसी में जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन डी है, प्रोटीन पाउडर है, ये आपको रूटीन में लेना चाहिए। ये आपको सिर्फ खाली बेबी की ग्रोथ को नहीं एनहेंस करता है, बल्कि मदर को भी स्टेमिना देता है कि वो एंटीपार्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला पीरियड, ड्यूरिंग डिलीवरी पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद का भी जो 1-2 महीना है वो उसकी स्टेमिना को और उसके पावर को एनहेंस करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मदर की हेल्थ डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद भी अच्छी हो, ताकि बच्चे की केयर अच्छी कर सके। तो अगर मदर नहीं लेती हैं दवाइयाँ तो यही होता है, लास्ट में जाके एनीमिया डेवलप हो जाता है, वीकनेस रहती है, दर्द रहता है, आपको पेरीपार्टम या पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद वापस से खड़े होने में महीनों लग जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ऑल प्रेगनेंट वुमेन शुड टेक वेयर गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ। अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे उन लोगों को न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, साथ में जो रेगुलर मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो उनको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। ओके तो दोस्तों देखा आपने, हमने मैम से किस तरीके की बातें करी, कितने टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया, और मेनली कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी औरतों को दवाइयाँ प्रॉपर लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अब फार्मेसी की तरफ, आपको वहाँ का एक व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता क्लिनिक की फार्मेसी पे, आइए है, मिलते हैं फार्मेसिस्ट मैम से। मैम आपका नाम? हेलो, माय सेल्फ प्रीति कौशिक। यहाँ पे सभी गायनी से रिलेटेड सभी मेडिसिन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 5-10% ऑल मेडिसिन पे सभी डिस्काउंट देती हूँ। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक। हेलो, मैं खुशबू मैम को बहुत दिनों से जानती हूँ। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब मैं उनसे मिली थी, और बहुत ही अच्छी डॉक्टर है वो। जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती है मैं उन्हीं के पास आती हूँ। खुशबू मैम नेचर वाइज वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पे 5 मंथ से आ रही हूँ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। डॉक्टर बहुत बेटर हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा ही यानी टाइम अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता से आती हूँ। ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर। मैं आई हूँ, मैं यहाँ पे रेगुलर दिखवाने आती हूँ। मुझे ना यहाँ मुझे पीरियड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे दिखवाने आती हूँ। मुझे यहाँ पे दिखवा के काफ़ी फायदा होता है मैम से। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर। हेयर इज द डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक। गुप्ता क्लिनिक वुमेन केयर क्लिनिक।